हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम पास पे। गाइस फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे दोस्तों। मेरी आवाज सुनाई दे रही भाई? सबके सब लोग जवाब दो, यस और नो भाई, फटाफट जवाब दे दो जल्दी जल्दी। हाय चेतन भाई, हाय सचिंदर, हाय उषा, हेलो संजय, हाय चारुल, हाय यस आनंद, हेलो अनन्या, हाय अनु, वेरी गुड इवनिंग बच्चे, हाय विवेक, हेलो शनि भाई, पूजा ठाकुर, संगू, सुभाष्मिता, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी जल्दी आ जाइए। उषा सैनी, चारुल जैन, संजय पॉल, सबको वेरी गुड इवनिंग गाइस, फटाफट आ जाओ गाइस, जल्दी जल्दी सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि बेटू आज आपके टॉप 35 एमसीक्यूज हैं जो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, करंट अफेयर यानी कि लास्ट वीक का गाइस, 21 टू ऐसे आज का 21 से लेके पूरे 7 दिन यानी कि 26 से 27 दिन 27 तक। हाय एक्स्ट्रा ठाकुर, गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो बाबू आप? सो गाइस सर मस्ट स्ट्रीमिंग करिए, अच्छा ओके चेतन, अच्छी बात है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन विवेक भाई, बहुत अच्छी बात है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन करंट अफेयर ऑफ द वीक का गाइस, फटाफट श्री राम श्री गणेश। चलो सो गाइस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट जवाब देना गाइस जल्दी जल्दी, और आज हम टाइमर भी लेके आ रहे हैं, सो आपको फटाफट जवाब देना गाइस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड टाइम स्टार्ट नाउ? फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? गाइस प्लीज सेशन को शेयर करो, लाइक कर दो ताबड़तोड़ तरीके से बच्चों, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करो और एक बार लाइक का बटन ठोक दो। सॉरी टाइम अप, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दिसंबर 22। गाइस 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। गाइस आपको पता होगा रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी पर। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। Which player is chosen as BBC Sports personality, BBC Sports personality of the year 2020? 133rd birth anniversary of Ramanujan. Exactly, Sangu. Well done, Srinivas Ramanujan. Exactly. Very good, Chetan. Superb. Guys, jawab do. Which player is chosen as BBC Sports personality of the year? Guys, jawab dijiye. Kisko? Marcus Rashford, Lewis Hamilton, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo. और सबका जवाब आ रहा है यस, अनु, चेतन, अन्या, संजय, उषा, विवेक। वेल डन गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज लुइस हैमिल्टन। सुपर्ब गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज लुइस हैमिल्टन, यूके मर्सिडीज। वेरी गुड संगू, सुपर्ब, वेल डन बाबू, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हम भूल जाते हैं टाइमर, याद दिला दिया करो। हु हैज बीन गिवन द फर्स्ट अवार्ड अंडर टेलीकॉम स्किल एक्सलेंस अवार्ड फॉर द ईयर 2018? And guys, time start now. भैया फटाफट जवाब दे दो, टाइमर चल रहा है। Guys, फटाफट जवाब दो, जल्दी जल्दी, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। Guys, who has been given the first award under Telecom Skill Excellence Award for the year 2018? और चारुल, संजय, पूजा, यस, संगू, ओके, सुभाष्मिता, दीपक भाई, एस करनम, ओके दीपक भाई, बहुत अच्छे, उषा सैनी, अनन्या, अनु, टाइम अप गाइज, टाइम अप, एंड इट्स करेक्ट आंसर श्रीनिवास करनम। S करनम is the correct answer guys, super, बेटू हम लोगों ने इसको करंट में डिस्कस कर रखा है और ये पूरे लास्ट वीक का करंट अफेयर्स है गाइस, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, एक ही जगह सब मिल जाएगा, इसका पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गाइस, हु हैज बीन प्रेजेंटेड एज द एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस ग्रुप इन द इंडिया प्रोग्रेस ड्यूरिंग एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020? एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दो गाइस, जल्दी जल्दी जवाब दे रहा बच्चों। हु हैज बीन प्रेजेंटेड एज एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द कंट्री टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस ग्रुप इन द इंडिया प्रोग्रेस ड्यूरिंग एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020? टाइम अप गाइस, समय समाप्त हो गया। और पूजा ठाकुर, अनन्या मिश्रा, चारुल, चेतन, संगू एंड संजय भाई, यस आनंद, अक्षिता ठाकुर, सुपर गाइज, वेरी गुड बेटू, प्लीज सेशन को शेयर कर दो एक बारी सेशन शेयर हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों। सुपर जीआरडी टाटा के पुत्र जी रतन टाटा, एग्जैक्टली इट्स करेक्ट आंसर इज रतन टाटा गाइस, रतन टाटा, वेरी गुड। निधि गौर मैम, इट्स वेरी गुड, करेक्ट आंसर इट्स डी। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। एसोचैम के हेड है विदीपक सर, एग्जैक्टली, देखते हैं। अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अदर पर्सनालिटीज from which two countries have also been conferred the America's highest decoration, the Legion of Merit by President of US? And time start now.
मानसी गुप्ता गुड इवनिंग बच्चे, वेरी गुड इवनिंग गाइस। प्लीज सेशन को शेयर कर दो मेरे दोस्तों फटाफट, जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी जल्दी। भैया प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ और किन दो, यानी दो पर्सनालिटीज को दी गई, किनको किनको दिया गया है लीजन ऑफ मेरिट? सिंजो अबे एंड स्कॉट मॉरिसन, यानी क्या स्कॉट मॉरिसन एंड सिंजो अबे। गौतम यादव सर बोल रहे हैं सर रेलवे कोर्स में बच्चा हुआ है स्टैटिक जीके। गौतम भाई आप यहां पे अपडेट कर लो, गौतम भाई आप यहां पर अपडेट कर लो, सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, हम आपको आप देख लो, यहां पे मेरा वो बना होगा, प्लेलिस्ट बना होगा गौतम भाई, आप वहां से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। गाइस ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा एंड जापान की कैपिटल है गाइस क्या? टोक्यो। सिंजो अबे एंड गाइस कैनबरा स्कॉट मॉरिसन, इसकी कैपिटल है, करेंसी है येन और इसकी करेंसी है डॉलर। गाइस अच्छा ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया से एक आर्मी एक्सरसाइज का नाम बता दो, डिफेंस या आर्मी एक्सरसाइज गाइस। और इससे क्या है, जापान से एक आर्मी एक्सरसाइज का नाम बताओ गाइस, फटाफट जवाब दो गाइस। ऑस्ट्रेलिया से एक आर्मी एक्सरसाइज का नाम बताओ और गाइस जापान से एक एक्सरसाइज का नाम बताओ। एग्जैक्टली विवेक 8 विकेट से जीत गया गाइस। जवाब दे रहे मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बच्चों, हमने क्या बोला कि ऑस्ट्रेलिया से एक आर्मी, अच्छा ऑस इंडेक्स, एग्जैक्टली ऑस इंडेक्स, वेरी गुड। गौतम यादव सर बोल रहे हैं मालाबार, अच्छा एग्जैक्टली गौतम यादव भाई, हमने क्या बोला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की गई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया केवल दो कंट्रियां सर, आपको ये जवाब दे दो, तो ऑस इंडेक्स याद रखना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज एंड जापान के साथ सहयोग कैजिन, एग्जैक्टली सहयोग गाइस, सहयोग कैजिन, सहयोग कैजिन किसके साथ आर्मी एक्सरसाइज है गाइस, तो जापान के साथ है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना, धर्म गार्डियन सिन्यू मैत्री सहयोग कैजिन, वेरी गुड चेतन सुपर। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, या मैत्री धर्म गार्डियन जिमेक्स जापान की है, एग्जैक्टली सहयोग कैजिन ज्यादा हाईलाइट है गाइस, कल वाले सेशन में हम लोग, परसों वाले से कल वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय कुमार यू महेश क्रिकेटर फ्रॉम विच आईपीएल टीम अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? गाइस सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। बेटू फटाफट जवाब दे दो इसका जलेली, और दीपक सर ने सबसे पहले जवाब दिया गाइस चेन्नई। गौतम भाई आपसे उम्मीद कर रहे हैं फटाफट जवाब दीजिए, और गौतम सर डेली आप आओ सुबह 8:30 बजे, गौतम यादव भाई सुबह 8:30 बजे और रात में 9 बजे। रेणुका दमाकुंडा, हाय रेणुका, हेलो आई एम गुड बच्चे, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो बाबू, बहुत एग्जैक्टली बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे हैं, फटाफट जवाब दो। माही माही ओके, चेन्नई सुपर किंग, सीएसके, चेतन, पूजा, यश, सुभाष्मिता, अनन्या, विवेक, निधि, सुभाष्मिता, संगू, ओके गाइस वेरी गुड, वेल डन गाइस सुपर, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग से ऑल फॉर्मेट ऑफ आईपीएल के, यानी रिटायरमेंट ले लिया ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट गाइस, कौन, विजय कुमार यो महेश। ठीक है याद करें विजय कुमार ने क्या कर लिया गाइस, तो सभी संन्यास लिया सभी फॉर्मेट से क्रिकेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है बेटू आपकी स्क्रीन पर रहा ये, अच्छा संगू बोला आई डोंट लाइक सीएसके, ओके ये तो अपनी अपनी चॉइस की बात है, कुछ लोग तो सीएसके के डाई हार्ट फैन है भाई, यहां पे ऐसा है सीएसके को कुछ बोल दो तो टेटुआ दबा देंगे। हेलो रमत भाई सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप गाइस, क्या बात है दीपक भाई, एंड टाइम स्टार्ट नाउ, ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है गाइस, आंसर से जवाब देना आपको फटाफट बिना पढ़े आंसर से जवाब देना गाइस, जल्दी जल्दी जवाब दो। यस विवेक, सुभाष्मिता, पूजा, रामत भाई, अच्छा सॉरी चारुल, संगू, ओके गौतम भाई वेरी गुड, बहुत अच्छे गौतम, सनी बी, विवेक, अच्छा विवेक अभी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग में चल रहे हैं, निधि मैम, निधि मैम बैंक ऑफ बड़ौदा, सनी भाई बी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक, सनी भाई इट्स नॉट बी, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। गाइस अब याद करें इंडियन आर्मी, आर्मी में जो लोग भी हैं गाइस, जो लोग भी हैं अब आपको याद करना, उनके लिए इंडियन आर्मी ने एमओयू मेमोरेंडम, देखो हमने बार बार बोलते हैं बेटू एमओयू मतलब एक बंदा है जिसकी इंगेजमेंट हो जाए, हम बार बार बोलते हैं जानबूझ के ताकि इतनी बार वो याद रहे आपको जहन में सेट हो जाए, इंगेजमेंट मतलब एमओयू, किसी व्यक्ति का इंगेजमेंट हुआ मतलब एमओयू, और किसी व्यक्ति का एमओए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें, एसोसिएशन की बात करें, यानी कि गाइस मैरिड, शादी हो जाना। So guys, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको याद रखना है, इंडियन आर्मी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ क्या कर लिया है, एमओयू साइन किया है फॉर सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड अ यूनिक वेरिएंट ऑफ कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड अंडर द नेम
रुपे सेलेक्ट इन एसोसिएशन विद द नेशन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ. संजय चड्ढा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इज द टैगलाइन ऑफ बीओबी एंड हेडक्वार्टर इज कहां पे गाइस? तो आपको याद रखना है वडोदरा. गाइस जवाब दीजिए फटाफट जल्दी जल्दी, समय समाप्त हो गया मेरे बच्चों आपके लिए. गाइस एनपीसीआई ने एनपीसीआई के साथ हाथ मिलाया है रुपए के लिए. इनमें से किस बैंक ने एक रुपए सेलेक्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए, गाइस एक कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड है, यानी बिना कॉन्टेक्ट में आए आप पेमेंट कर सकते हो. और गौतम यादव सर का जवाब आ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. बेटू हमने हमेशा से ट्रिक बताया है, जिन बैंकों के लास्ट में इंडिया लगा हो आंख बंद करके ठोक देना. कहां पर? तो मुंबई. बस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर और देना को जोड़कर, और जिसके नाम के आगे इंडियन लगा हो हेडक्वार्टर जाएगा चेन्नई और सीवी लेकर हमें बैंगलोर जाना है. गाइस आपको ट्रिक याद होना चाहिए. इट्स करेक्ट आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरे दोस्तों, याद रखना. और गाइस 2000 एनपीसीआई की बात करें, एनपीसीआई 2008 में आया था. गाइस दिलीप आसबे साहब इज द हेड ऑफ किसके? एनपीसीआई के. एनपीसीआई का माई बाप कौन है गाइस? तो मेरे दोस्तों आपको याद रखना है आरबीआई इज द सबका बाप है. किसका? इन सब में. एनपीसीआई रुपए को तो लाया एनपीसीआई ने, और एनपीसीआई को लाया किसने? आरबीआई ने 2008 में. गाइस नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं. अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसोचैम सिचुएटेड? गाइस एसोचैम का हेडक्वार्टर कहां पर है? एंड टाइम स्टार्ट नाउ, विद इन 15 seconds आपके जवाब होने चाहिए इफ बट किए बिना. गाइस बहुत इजी पेपर क्वेश्चन है बेटू. दीपक भाई ने का जवाब आ गया दिल्ली, संगू ने भी जवाब ठोक दिया दिल्ली, और चारू मैम वेरी गुड बाबू सुपर्ब. गाइस जवाब दीजिए पूजा ठाकुर दिल्ली, विवेक अग्रवाल, संजय पॉल वेरी गुड, चेतन पटवाल सर, निधि गौर मैम, सनी भाई बहुत अच्छे, उषा सुपर्ब बाबू वेरी गुड, बहुत अच्छे. गाइस लगे रहिए फटाफट जवाब दीजिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसोचैम? दोस्तों एसोचैम का हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली. और बेटू इसके हेड कौन है? तो वी से नाम है उनका जवाब दीजिए. वी से नाम है कौन से? रेणुका मैम एग्जैक्टली बाबू, इट्स करेक्ट आंसर इज दिल्ली. सुभाष मित्ता सुपर. नेक्स्ट पॉइंट, यूएन वुमेन हैज कोलैबोरेटेड विद द विच स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट जेंडर डाटा हब इन दैट रीजन? एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट जवाब दो इसको, फटाफट जवाब देना गाइज. प्रणाम अंकिल, प्रणाम, कैसे हो बच्चे? आ जाओ फटाफट आ जाओ गाइज. दीपक भाई, संगू, चारुल, ओके विवेक, विनीत अग्रवाल, वेल डन विवेक सुपर. वी से नाम था विवेक, विनीत अग्रवाल. नहीं मालूम, गौतम यादव सर बोल रहे नहीं मालूम. गौतम भाई याद रखिएगा, जेंडर डाटा हब इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट जेंडर डाटा हब ओपन किया गया कहां पे? तो केरला. बेटू याद करना, जेंडर डाटा हब मतलब कलेक्ट करना है डाटा को पर्टिकुलर एक जगह पे कलेक्ट करना है. सो गाइस कहां पे? केरला में. गाइस आपको पता होगा केरला के तिरुवनंतपुरम में. गाइस ये नया क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम में. गाइस एक 21 साल की मेयर बनी है. गाइस 21 साल की यानी इंडिया के सबसे कम एज की मेयर है, जिसका नाम है आर्या रविंद्रन. क्या नाम है? आर्या रविंद्रन ऐसे कुछ करके नाम है, एक बार चेक कर लेना. आर्या रविंद्रन 21 साल की है. गाइस शशि थरूर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है. एग्जैक्टली संगू भाई, ठीक है. सो गाइस याद रखना, तिरुवनंतपुरम में आर्या रविंद्रन 21 साल की मेयर बनी है. गाइस जो बहुत बड़ी बात है आज तक स्पेशली. और बेटू हम आपसे हमेशा से डिस्कस करने आए, जब भी महिलाओं का फर्स्ट चीजों में महिलाएं आए कि लेडी आए गाइस, या फिर कोई औरत यानी किसी का बच्ची आए कि लड़की, कहीं भी हाईलाइट हो तो गाइस उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना मेरे दोस्तों, याद रखना, उसको रट्टा मार लेना है आपने. गाइस नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, ठीक है. अगला क्वेश्चन है गाइस, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफिनाइट इंडिया लुकिंग टू सेटअप और एक्सपेंड देयर बिजनेस इन इंडिया? एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ. और विमेन के लिए विवेक इसलिए इंपॉर्टेंट है, विमेन डाटा सेंटर हब, विमेन डाटा हब या डाटा सेंटर हब कहां पे? और गाइस यहां पे सब पे जवाब आने लगे समय के अंदर ही, बहुत अच्छे. और नंबर वन पे है चारू मैम, दीपक भाई, संग्राम, सुभाषमिता, हर्ष पांडे, बहुत अच्छे. हाय हर्ष, कैसे हो मेरे दोस्त, क्या हाल चाल है? संजय भाई, विवेक, यस, अंकिल, अनन्या, रामद भाई, 1994 संजय संदीप बख्शी, हम है ना ख्याल आपका, वेल डन संगू. इट्स करेक्ट आंसर इज गाइस ICICI. और गाइस सबसे पहले जवाब दिया चारुल जैन मैम ने, बहुत अच्छे चारुल, सुपर बच्चे, लगे रहो. विद इन 15 seconds गाइस, बहुत बड़ी बात होती है.
बेटू हमें पता है, आप चाहे टाइम 15 सेकंड में जवाब दो या 25 सेकंड में जवाब दो, डजंट मैटर, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। बट बेटू प्रेजेंट ऑफ माइंड इतना तेज रखो, क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ जाओ क्या हो सकता है एक्चुअली। बेटू इतना इजी क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है गाइस। आईसीआईसीआई गाइस आपका करंट कई दफा डिस्कस होता है, हम लोग एक बार रिविजन में डिस्कस करते हैं, एक बार वीकली डिस्कस करते हैं गाइज, और एक बार मंथली डिस्कस करते हैं, और तो और बेटू सबसे बड़ी बात एक डेली डिस्कस करते हैं। आप समझ सकते हो 4-4 बार आप किसी एक चीज को अपडेट करते हो, कोई माई कलाल आपको करंट अफेयर्स में फेल नहीं कर सकता, आपसे एक नंबर आपका छीन नहीं सकता वो गाइज, अगर आपने बखूबी अपडेट कर रखा है तो। आई नो कि बेटू तुरंत का तुरंत अपडेट ना हो पाए गाइज, बसरते आपका क्या होता है कि आप ऑप्शन देख के टिक कर लो, ये बहुत बड़ी बात होती है गाइज। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर हैज मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपेडा लॉन्च्ड अ मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर फॉर एक्वा फार्मर्स टू एड्रेस देयर टेक्निकल इश्यूज एंड इम्पार्ट नॉलेज अबाउट एफिशिएंट फार्मिंग मेथड अराउंड द क्लॉक एंड गाइस टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट जवाब दीजिए गाइज, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए विद इन 15 सेकंड्स गाइज। एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और दीपक सर ने जवाब दिया विजयवाड़ा, ओके दीपक भाई, रहमत भाई सी, संगू, रहमत सर, विवेक अग्रवाल, चारुल जैन, एमपेडा हेडक्वार्टर है कोची केरला में, एग्जैक्टली दीपक सर, वेल डन, सुपर मेरे दोस्त, बहुत अच्छे, काबिले तारीफ है दीपक सर। पूजा ठाकुर, संगू, सुभाषमिता, सनी, संजय, अंकिल, निधि, गैजेट्स करेक्ट। और आपको बता दें ये आपको बता दें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है गाइस, क्या हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज तो है ही है, कॉल सेंटर है गाइस, यानी कि आप एक्वा फार्मर्स यानी कि जो मछली और पानी से जो भी चीजें हैं प्रोडक्शन होता है उनका, जो भी चीज पैदा करते हैं, जो भी डजंट मैटर, उसके लिए क्या है तो इनका कॉल सेंटर है गाइस। जो कॉल सेंटर कहां लगा है, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गाइस, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गाइस, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन हमारे यहां, ठीक है, हु हैज बीन कंफर्ड विद द ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस बाय द फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स FIICC फॉर द ऑप्टिमाइजिंग यूनिटी पीस एंड सस्टेनेबिलिटी एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस। और यहां पे हर्ष पांडे सर का जवाब आ रहा है सी, अच्छा सर किसके लिए, किसका जवाब है भाई हर्ष, जवाब देना, संगू बी, रतन टाटा, चारुल मैम बी, रतन टाटा, ओके दीपक भाई रतन टाटा, अन्नू रतन टाटा, विवेक, पूजा, संजय, यश, उषा, सुभाषमिता, रमत भाई, वेल डन गाइस, सुपर, वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे, FIICC, अनन्या मैम वेल डन, सनी वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रतन टाटा इज द करेक्ट आंसर गाइस। रेणुका दमाकोंडा, दोमाकोंडा, इतना दोमाकोंडा नहीं पढ़ना, बस रेणुका मैम पढ़ना है, एग्जैक्टली, वेल डन रेणुका, सुपर बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बाबू, वेरी गुड गाइस। आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द गाइस इजराइल, ऐसे बताना, इजराइल में अभी आपने सुना होगा एक स्ट्रीट का नाम गाइस, एक स्ट्रीट का नाम बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर गाइस। वो स्ट्रीट किस शहर में है इजराइल के, जो जवाब दे दिया उसको 5 वाला डेयरी मिल्क मिलेगा गाइस, रविंद्रनाथ टैगोर के, क्या बात है चेतन, वेल डन, सुपर, तेल अवीव में, वेल डन गाइस, वेरी गुड, सुपर, तेल अवीव एक जहर है, शहर है जहां पर गाइस उस गली का नाम रविंद्रनाथ टैगोर रख दिया गया, सुपर, वेल डन चेतन पटवाल भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, लगे रहिए। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, आपको क्वेश्चन पूरा घुमा के रखना है, डेयरी मिल्क कब आ रही है सर, चेतन जब तुम मिल ले यार, तेरे घर से बगल में ही रहते हैं, कभी भी तू मिल ले आके, इधर आना तो मेरे को बताना, मैसेज करना, 5 वाला डेयरी मिल्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइम स्टार्ट नाउ, बेटू आपको बता दें, और यहां पे सबसे पहले जवाब दे दिया संगू ने, किसान दिवस, संग्राम, चारुल और उषा, वेल डन, सुपर, रहमत भाई, बहुत अच्छे गए, क्या बात है सुभाषमिता, रहमत भाई, अनन्या, अच्छा ओहो, अब एक्सक्यूज आ रहा है, कभी नहीं आएगा, कूटे जाओगे संग्राम, निधि थर्ड या रेट तो बढ़ा दीजिए कभी अंकित, रेट ये ज्यादा रिस्क नहीं लेते, ज्यादा जवाब आने लगेगा, चौधरी चरण सिंह, एग्जैक्टली, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गाइस, चौधरी चरण सिंह किस शहर से बिलोंग करते थे गाइस,
किस सिटी से बिलोंग करते थे चौधरी चरण सिंह? गाइस जवाब दीजिए, चौधरी चरण सिंह किस शहर से बिलोंग करते थे? और गाइस चौधरी चरण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट किस शहर में है? चौधरी चरण सिंह के नाम पर एयरपोर्ट किस शहर पे है? किस शहर में है गाइस? फटाफट जवाब दीजिए और फटाफट जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए। फर्स्ट यूपीसीएम या एग्जैक्टली विवेक, सुपर लखनऊ में है इनके नाम पर एयरपोर्ट। और गाइस इनके नाम पर इनका जन्म हुआ था मेरठ में, मेरठ में इनका जन्म हुआ था गाइस। और इनके नाम पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है गाइस मेरठ में, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस। अभी एक क्वेश्चन आपका जवाब देना है गाइस, वेयर इज द हेडक्वार्टर? गाइस सेशन को लाइक कर दो, ताबड़तोड़ तरीके से सेशन को लाइक करना, एक बारी, तीन बारी, पांच बारी, सात बारी, सब ऑड बार करना है गाइस, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकेटेड? एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस, जवाब दीजिए विद इन 15 सेकेंड्स। और यहां पर जवाब आना शुरू हो गया, चेतन, संगू, दीपक भाई, चारुल, रमत भाई, वेल डन विवेक, सुपर, मेरठ इंडिया स्पोर्ट्स सिटी, एग्जैक्टली, वेरी गुड विवेक। और बैट और यहां पे ज्यादा बनते हैं बैट बॉल, सनी, निधि, सुपर, वेरी गुड। और गाइस याद करना मेरठ में ही, बेटू मेरठ की बात है, चलते 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 हैं मेरठ में, एक झलकी मार लेते हैं मेरठ में। गाइस मेरठ आपको याद करना है, मेरठ स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया पहली चीज। सेकेंड थिंग गाइस, मेरठ में एनिमल वार मेमोरियल है गाइस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनिमल वार मेमोरियल इंडिया में कहां पे है, तो गाइस आंख बंद करके टिक कर देना आपको कहां पे, तो गाइस याद करना मेरठ को। गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज कोची, बेटू कोची। कोची के बारे में गाइस दो न्यूज बता दो फटाफट, दो न्यूज बता दो कोची। गाइस कोची से रिलेटेड दो न्यूज बता दो फटाफट, चली अली दो न्यूज बताना है कोची से रिलेटेड गाइस। जैसा कि आपने बताया एम्पेडा का हेडक्वार्टर कहां पे, कोची में, नो डाउट, एग्जैक्टली इट्स करेक्ट। बट गाइस कोची से वल्चर कंजर्वेशन महाराजगंज यूपी में, एग्जैक्टली चेतन पटवाल भाई। एलिफेंट हॉस्पिटल कहां है फिर, दीपक भाई, एलिफेंट हॉस्पिटल है मथुरा में, मथुरा में है एलिफेंट हॉस्पिटल, दीपक भाई मथुरा में है एलिफेंट हॉस्पिटल। हेमा मालिनी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मथुरा। गाइस जवाब दीजिए, कोची से सोलर पावर, फुल टू सोलर पावर, एग्जैक्टली फुल टू सोलर से कवर्ड है गाइस कौन सा एयरपोर्ट इंडिया का, कोची। गाइस कोची गॉड ऑन कंट्री, एग्जैक्टली दीपक सर, बहुत अच्छे, सुपर। अलुआ फेडरल बैंक, फेडरल बैंक है, चलो ये भी न्यूज है, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है कोची के अलुआ में गाइस। और मेरे दोस्तों आपको याद रखना है कोची से, कोची में कोची एयरपोर्ट है गाइस, याद रखना फुल्ली सोलर पावर्ड है, यानी क्या अगर वहां पे बारिश होने लगी तो आपसे वहां कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी गाइस। आपको पता होगा कुछ दिन पहले केरला में बाढ़ आया था तो पूरी कनेक्टिविटी फ्लाइट की बंद कर दी गई थी प्लेन्स की, क्यों, क्योंकि गाइस सूर्य भगवान दिख ही नहीं रहे थे ना, तो वहां पे सारा कुछ काम ही हो पा रहा था। फुल टू गाइस याद रखना, फुल टू सोलर पावर्ड है कोची एयरपोर्ट गाइस। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसका जवाब दो। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन विच डे एवरी ईयर एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस, जवाब दीजिए इसका। मरीन एम्बुलेंस, वेल डन रहमत भाई, बहुत अच्छे, मरीन एम्बुलेंस भी लॉन्च किया गया कोची से, क्या बात है रहमत भाई, बहुत अच्छे लगे रहिए। समय समाप्त हो गया गाइस, वेरी वेरी गुड मेरे दोस्तों, सुपर गाइस, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर आ रहा है सबका, वेल डन, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। देखिए 23 को चौधरी चरण सिंह जी आए, याद रखना चरण सिंह जी, ठीक है। किसान दिवस गाइस, किसान, किसान अपने अधिकार के लिए, किसान अपने अधिकार, ऐसे याद करना, 23, 24 और 25, किसान अपने अधिकार के लिए, अधिकार मतलब राइट, किसान अपने अधिकार के लिए किसके पास गए, अटल जी के पास गाइस, याद रखना है दिसंबर से, क्या मेरी बात सुनना, 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन, ऐसे ट्रिक बना लो, 24 तारीख को राइट्स यानी कंज्यूमर राइट्स डे, किसान अपने अधिकार के लिए किसके पास गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन जिसको गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है गाइस, आपको याद रखना है गाइस, इतनी बातें। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्यों मूव करते हैं, हाँ ऐसे याद रखना 22 तारीख को, ऐसे याद रखना कुछ भी लो, मैथ, मैथ पढ़े चौधरी चरण सिंह और अपने अधिकार के लिए अटल जी के पास गए, दैट्स इट, कहानी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस, जवाब दीजिए, समय समाप्त होने वाला है भाई, टिक टिक जी तेजी से भाग रहे हैं, फटाफट जवाब दो, द लाइट ऑफ एशिया गाइस आपको बता दें बुद्धा के ऊपर डिपेंडेंट है, बुद्धा के ऊपर, बुद्धा के विचारों के ऊपर डिपेंडेंट, उनके आइडियोलॉजी के ऊपर है गाइस,
फटाफट जवाब दो गाइस, समय समाप्त हो गया भैया। और हम लोगों ने पढ़ा था इसको 11th 12th में गाइस, द लाइट ऑफ एशिया, मैथ पढ़ के किसान अधिकार। एग्जैक्टली मैथ चौधरी जी ने ऐसे याद रखना, ऐसे रामानुजम ने मैथ पढ़ा 22 को, चौधरी चरण सिंह जी 23, चौधरी चरण जी के साथ अपने अधिकार के लिए अटल जी के पास गए। एक कहानी बना लो, एक ट्रिक बना लो, आपको याद रखे गारंटीड है। गैजेट्स करेक्ट आंसर किसका, जय राम रमेश। वेल डन मेरे दोस्तों, जयराम रमेश कांग्रेस के हैं गाइस, यूपीए से हैं, मिनिस्टर भी थे, आपको पता होगा इनको अवार्ड मिला है कमला अवार्ड। एग्जैक्टली गाइस एक चीज और याद रखना, शशि थरूर की बुक थी, बड़ी कंट्रोवर्शियल बुक थी मेरे दोस्तों, जिसका नाम था व्हाई आई एम ए हिंदू। गाइस व्हाई आई एम ए हिंदू इज अ बुक, ये बुक को गाइस बहुत क्रिटिसाइज किया गया, शशि थरूर की बुक। और गाइस शशि थरूर याद रखना, इनको जम्मू कश्मीर का दामाद कहा जाता है, क्योंकि सुनंदा पुष्कर यहीं से थी गाइस, आपको पता होगा। एंड वन मोर थिंग ऐसे भी याद रखना, एंड गाइज ये तिरुवनंतपुरम से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गाइज, ऐसे याद रखना ठीक है। तिरुवनंतपुरम इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ शशि थरूर साहब। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइज, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बैठू क्या, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल अयोध्या। गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटू, इसी का तो मारपीट हुआ था, फटाफट जवाब दो। एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइज, फटाफट जवाब दो Guys, who has authored the book titled Ayodhya? Guys, अभी तो अमित त्रिपाठी का नाम था, अमित त्रिपाठी का नाम बताना भूल गए। Guys, अमित त्रिपाठी को बता दें, इन्होंने एक बुक लिखी थी शिव जी के ऊपर, क्या मेलुहा के मृत्युंजय। Guys, बड़ी फेमस बुक रही थी मेलुहा के मृत्युंजय। नितेश मिश्रा सर भी, माधव भंडारी नितेश भाई बहुत अच्छे, निधि मैम, संजय भाई, रेणुका मैम वेरी वेरी गुड गाइज, सनी बहुत अच्छे, चेतन पटवाल, या लेजेंड ऑफ सुहेल देव इन्हीं की बुक है, अमित त्रिपाठी की। एग्जैक्टली चेतन भाई, एग्जैक्टली सुपर, इट्स करेक्ट आंसर इज गाइस कौन, माधव भंडारी साहब। गाइस माधव भंडारी इज द करेक्ट आंसर, वेल डन गाइस, इमॉर्टल ऑफ मेलुहा। एग्जैक्टली विवेक, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस हमारे स्क्रीन पर है ये, विच कंट्रीज न्यू मीडियम लेफ्ट कैरियर रॉकेट लॉन्ग मार्च 8। गाइस इतना ही पढ़ना आपको, लॉन्ग मार्च 8 एंड टाइम स्टार्ट नाउ, इतने बाद आपको जवाब दे देना है गाइस, इसी के बाद आपको जवाब दे देना है, लॉन्ग मार्च 8 के बाद गाइस जवाब दीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। दीपक भाई, चेतन पटवाल, नहीं, गौतम यादव भाई, ये अभी अभी लिखा है किसने, तो माधव भंडारी ने लिखा है, जिसका इनॉग्रेशन देवेंद्र फडणवीस ने किया था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के माधव भंडारी, याद रखिएगा सर, क्या नाम है, यादव सर, गौतम सर, एग्जैक्टली मेरे दोस्त। गाइस याद करना, लॉन्ग मार्च किसका है, रॉकेट कैरियर रॉकेट है गाइस, लॉन्ग मार्च किसका कैरियर रॉकेट है गाइस, तो याद करना इट्स चाइना। कुछ लोग इस चाइनीज छोटी आंख वाले बड़े बड़े काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली दीपक भाई कह सकते हो, एग्जैक्टली नितेश सर, नितेश मिश्रा सर बहुत अच्छे, हाय आशु, प्रणाम प्रणाम, आपका स्वागत है बच्चे, नितेश भाई आपका भी स्वागत है, बातों बातों में याद नहीं कर पाए, तहे दिल से अभिनंदन आप सभी को गाइस, डेली सुबह रात में आओ और सुबह 8:30 बजे। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस फटाफट, अगला क्वेश्चन आपका गाइस, ये जवाब दे दो और इसका स्लोगन या टैगलाइन या फिर पंचलाइन आपको जवाब देना है, टाइम स्टार्ट नाउ गाइस, फटाफट जवाब दीजिए गाइस जल्दी जल्दी। डीआरडीओ कंडक्टेड, डीआरडीओ का नाम आया आर्टिफिशियल सन वाला चाइना है, एग्जैक्टली विवेक गाइस, डीआरडीओ कंडक्टेड द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ एमआर सैम गाइस, बलस्य मूलम विज्ञानम, वेल डन विवेक अग्रवाल सर बहुत अच्छे। वेयर इज द हेडक्वार्टर, द मेटकॉफ हाउस गाइस, मेटकॉफ हाउस कहां पे, तो आपको जीटीबी नगर जाओगे तो आपको दिख जाएगा। संगू का जवाब है एम स्टैंड फॉर, हाँ थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई इशू नहीं है, बस बातों को समझो, भावनाओं को समझो, बातों में कुछ नहीं रखा यार संग्राम, फटाफट जवाब दे दो। एमआर का पूरा नाम है गैस मीडियम रेंज ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल गैस, इट्स करेक्ट आंसर इज एम का पूछा है, एम स्टैंड फॉर, तो गैस एम स्टैंड फॉर आईडी मीडियम गैस, एमआर का पूरा नाम है मीडियम रेंज, और एसएम का है सरफेस टू एयर, यानी सरफेस टू एयर को मार करने वाली मिसाइल है गाइस, सरफेस टू एयर मिसाइल गाइस। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है गाइस, फ्रूट्स यानी क्या, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम गाइस, एंड टाइम स्टार्ट नाउ बिटू, सॉरी सोच के जवाब देना गाइस जल्दी जल्दी।
फटाफट फ्रूट्स फ्रूट्स गाइस, फुल फॉर्म मस्ट है, फुल फॉर्म गाइस मस्ट है, एग्जाम में बैंक एग्जाम में ज्यादा फुल फॉर्म पूछा जाता है गाइस। एसएससी और रेलवे में थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि बंदा चलो ठीक है कि फुल फॉर्म क्या दें यार, इतना ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बसरते बेटू आपको पता होना चाहिए फ्रूट्स का फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम गाइस। अपने आपकी जो किसानों की जो जमीन थी गाइस, जमीन को क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन ये यूनिक आईडी बनेगी और यूनिक आईडी गाइस दिया जाएगा किसानों को और किसान उससे लोन ले सकते हैं, आपको पता होना चाहिए गाइस। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कर्नाटका, इट्स करेक्ट आंसर इज कर्नाटका गाइस। गाइस इसका एक फ्रूट्स का एजेंडा क्या था कि किसान को उस जितने भी जमीन है, एक बिस्सा दो बिस्सा, एक कट्ठा दो कट्ठा, चार कट्ठा, बीस कट्ठा, पच्चीस कट्ठा, जो भी है जिसको बिस्वा कहते हैं, बिगहा कहते हैं, उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा गाइस। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, किसान को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, किसान वो यूनिक आईडी दिखाएगा और इसके साथ टाई अप किया है कैनरा बैंक ने गाइस। कैनरा बैंक ने बोला है कि भैया आप मेरे को अपना कार्ड दिखाना, रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाना और रजिस्ट्रेशन आईडी के बिहा पर आपको हम लोन दे देंगे, आपको खेती करने के लिए टिम टाम करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस। जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली में है। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसोचैम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसोचैम, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया गाइस। फटाफट जवाब दो। बिस्वा अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड, बिस्वा अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। नितेश मिश्रा सर बोल रहे हैं सर यो क्लास टाइम, नितेश भाई मेरा सुबह क्लास सुबह 8:30 होता है सर, डेली करंट अफेयर डेली के डेली इसी चैनल पर, और रात के 9:00 होता है सर, नए नए टॉपिक आते हैं। कल वाला टॉपिक जैसा था हम लोग का आर्मी एक्सरसाइज, आज का करंट अफेयर ऑफ द वीक, और कल का एक यूनिक टॉपिक लेके आएंगे सर कल, जो हमारे रेलवे के दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और बैंक और एसएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वही सेशन लेके आएंगे सर, गारंटी है। आप आना जरूर से रात के 9:00 सर, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लाइव नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सर। एग्जैक्टली सुभाषमिता, नितेश भाई, रहमत भाई, सनी, विवेक, चारुल, निधि, उषा, वेल डन दोस्तों, संगू, सुपर, सुबंत सिन्हा वाइस प्रेसिडेंट है, एंड गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज विनीत अग्रवाल साहब, वेल डन मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे, डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। ओके नितेश भाई आपका स्वागत है, ठीक है फटाफट जवाब दीजिए गाइस, इसका जवाब आंख बंद करके ठोक देना गाइस, आंख बंद कर मतलब सही आंसर देना है, आंख बंद करने एक बात है, कहावत है, तकिया कलाम हो गया मेरा, समय समाप्त हो गया भैया जवाब दो। उत्तर प्रदेश विलम मेगा लेदर पार्क गाइस, हमने आपको बताया था लेदर के लिए, लेदर लेदर का गुड्स, लेदर गुड्स बनते कहां पे, वो आपको जवाब देना है, और लेदर रिसर्च सेंटर कहां पे, लेदर रिसर्च सेंटर कहां पे गाइस, तो गाइस लेदर रिसर्च सेंटर है मेरे बच्चों, आपको याद करना चमड़ा से चेन्नई गाइस, चमड़ा से चेन्नई, और भैया लेदर चमड़ा या लेदर गुड्स तो गाइस याद रखना कानपुर, कानपुर बेटू आपको याद रखना कानपुर, गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है गाइस, हमारे राष्ट्रपति यानी कि यहीं से कानपुर देहात से ही हमारे राष्ट्रपति कौन, श्री श्री क्या नाम है, कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद साहब, रामनाथ कोविंद साहब यहीं से कानपुर से ही इन्होंने लॉन्च किया था स्वच्छता ही सेवा कैंपेन गाइस। यूपी नहीं घूमा तो कुछ नहीं घूमा, एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश ना उत्तम प्रदेश, एग्जैक्टली गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कानपुर। बेटू आपको याद रखना 14वें नंबर के हैं चेतन पटवाल भाई, एग्जैक्टली मेरे दोस्तों आपको याद रखना क्या कि कानपुर ऐसे याद रखना गंगा के किनारे, लेदर गुड्स यहीं पर, लेदर के जूते, लेदर के बैग 14 नंबर गौतम यादव भाई, एग्जैक्टली सही है दोस्त मेरे, 14 नंबर के मोदी जी हैं, 14 नंबर के रामनाथ कोविंद साहब हैं, 13 नंबर के उपराष्ट्रपति साहब हैं, 45 नंबर के गाइस सॉरी 46 नंबर के जो बीडेन है गाइस, और नहीं गौतम भाई 15 नंबर के नहीं है 14 नंबर के, आप चेक कर लो गौतम भाई, पीएम मोदी जी 2 बार आए हैं, तो एक बारी एक ही बंदा 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, काउंट एक ही बारी होता है सर, आप एक बारी चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो गौतम यादव सर। या नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन बेटू, विच बैंक हैज इमर्ज एज द टॉप रेमिटर बैंक ऑफ द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड इन नवंबर एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस, जवाब दीजिए सोच के, 46 सीजीआई है, 25th कौन है हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब, या 46 जो बीडेन, 49 कमला हैरिस, वेल डन विवेक, सुपर बहुत अच्छे, और यहां पर जवाब आना शुरू हो गया, समय समाप्त होने के साथ साथ पेटीएम
और चारुल मैम का भी जवाब आ रहा है पेटीएम। सनी भाई पेटीएम, संजय, नितेश मिश्रा सर, निधि गौर मैम, वेल डन गाइस, वेरी वेरी गुड दोस्तों, लगे रहिए ताबड़तोड़ तरीके से। बेटू प्लीज सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, माता रानी पाप देंगी। गाइस सेशन को लाइक का बटन ठोक देना, एक बारी, तीन बारी, पांच बारी, सात बारी, जो भी है जैसा आपकी श्रद्धा हो। गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेटीएम पेमेंट बैंक। बेटू अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ये किसकी, इसका एक्चुअल यानी इसकी कंपनी का नाम क्या है, 197.communication एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर, नोएडा। गाइस नोएडा इज द हेडक्वार्टर पेटीएम पेमेंट्स बैंक, 197 communication एंड फाउंडर इज विजय शेखर शर्मा। कौन है बेटू, विजय शेखर शर्मा साहब इज द फाउंडर ऑफ किसके, तो पेटीएम के। हाय श्रीनिवास राव, हेलो, हाय, हाउ आर यू गाइस, हाउ आर यू बच्चे, कैसे हो आप, श्रद्धा बहुत है सर, संगु बहुत अच्छे सर, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर 25वें नंबर के, शक्तिकांत दास संगु, या हाँ भाई राव साहब का स्वागत करो, श्रीनिवास राव वेलकम भाई, आपका स्वागत है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विथ रिवाइज डीटीएस सर्विस गाइडलाइंस बाय द गवर्नमेंट, कैबिनेट गेव नोट टू हाउ मच परसेंट एफडीआई इन डीटीएच सेक्टर। बेटू ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मेरे दोस्तों, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। बच्चों फटाफट जवाब दीजिए गाइस, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। विथ रिवाइज डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विस डीटीएच, और संघु, दीपक भाई, पूजा, संजय भाई, वेल डन, पूजा ठाकुर मैम बहुत अच्छे, क्या बात है पूजा, कैसा है अभी, बर्फबारी हो रही उधर, एंड अन्नू, अनन्या, यस आनंद, रमत भाई, विवेक अग्रवाल, सुभाष मिताज, एक्सैक्टली बच्चे इट्स करेक्ट आंसर इज 100% एफडीआई इन किसमें, डीटीएच में गाइस, डू टू होम, डायरेक्ट टू होम, या सुभाष मिताज डोर टू होम नहीं, डायरेक्ट टू होम, फुल, गौतम यादव सर बोल रहे हैं फुल है, एग्जैक्टली भाई, इफ बट नहीं है गाइस। हमने बताया था आपको एफडीआई और एफआईआई का रूल, हमने हमेशा से डिस्कस किया है एफडीआई और एफआईआई, आपको बताना है अप टू 10% गाइस, याद रखना अप टू 10% एंड अबाउट 10%, सॉरी अबाउट ये वाला है, अप टू ये वाला है गाइस, अबाउट 10% और अप टू 10% गाइस, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू किसके, अरविंद मायाराम कमिटी गाइस, अरविंद मायाराम कमिटी के अकॉर्डिंग एफआईआई और एफडीआई किसको कहते हैं। सो गाइस याद रखना, अगर कोई कंपनी है सपोज दैट 100% सर, यो टेलीग्राम ग्रुप, नितेश भाई आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जीए भाई वैभव सर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सर आपका, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, यानी किसका, एग्जाम पास का, आप वहां आके हम उसमें जुड़े हुए हैं, आप मेरे को इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हो सर, ठीक है गाइस, अप टू 10% ठीक है, याद रखना नोन एज एफआईआई अकॉर्डिंग टू अरविंद मायाराम, और एफडीआई क्या है, अगर कोई व्यक्ति बाहर की कंपनी इंडिया में आके 10% से ज्यादा निवेश करती है तो गाइस नोन एज एफडीआई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, इन दिसंबर 2020 पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ स्पेशल पोस्टल स्टैम्प टू मार्क द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ विच यूनिवर्सिटी, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। और गाइस याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री के बाद पीएम मोदी बने हैं गाइस, बहादुर शास्त्री जी के बाद गाइस, शास्त्री जी के बाद पीएम मोदी तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं गाइस, जिन्होंने गाइस पहली बारी इसमें एड्रेस किया यानी कि संबोधित किया इन लोगों को। श्रीनिवास राव एग्जैक्टली मेरे दोस्त, इट्स अलीगढ़, वेल डन मेरे दोस्तों, सुपर्ब। वनिता शर्मा मैम ही होंगी, आपका स्वागत है बच्चे, वेल डन बाबू, सुपर्ब। विवेक, संगु, सुभाष्मिता, रमत भाई, अनन्या, दीपक भाई, गए तो नेहरू भी थे एक कई बार एएमओ, हमने क्या बोला दीपक सर, एक बारी जेएलएन जवाहरलाल नेहरू साहब, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी बार पीएम मोदी गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद आपको पता ही होगा, ठीक है, सर सैयद अहमद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गाइस 1920 में इसका नाम बदला गया, 1885 ऐसे कुछ में था शायद, 1887-85 में स्टैब्लिश हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरे नाम से था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली बच्चों, आप देख लेना, बट 1920 में इसका नाम बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं, हाय सोनम कौशल, आफ्टर 1964 आफ्टर, या नेक्स्ट पॉइंट क्यों, विच कंट्री अलॉन्ग विथ मालदीव्स एंड म्यांमार हैव बीन एडेड टू इंडियाज कोस्टल रडार नेटवर्क, एंड टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस
फटाफट जवाब दो, समय समाप्त हो रहा है बेटू, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करना। गाइस मालदीव्स की कैपिटल है माले एंड करेंसी इज रुपिया, या रुपिया रुपी, हमने आपको ट्रिक बताया था क्या भैया, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। गाइस मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मांगा का कोई मतलब नहीं, मां से मालदीव्स, मां से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, ने से नेपाल, भा से भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेशल्स, पाकिस्तान से पाकिस्तान, सबकी करेंसी क्या है, रुपिया। गाइस आपको याद रखना है, इट्स करेक्ट, और इस आपको पता होगा यहां की करेंसी क्या है, मालदीव्स और म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल है गाइस क्या, म्यांमार की याद रखना, नई पाए दाओ बेटू, आप सभी को पता होगा नई पाए दाओ, एंड करेंसी इज क्या, और यहां के प्रेसिडेंट साहब कौन है, विन मिंट। गाइस आपको याद रखना, विन मिंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, गाइस आपको याद रखना है, तो इसका ट्रिक याद रखना, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, गाइस याद रखना, इट्स करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश, वेल डन मेरे दोस्तों, सुपर बेटू। बांग्लादेश में अभी किसकी सरकार है, गाइस आपको जवाब देना, बांग्लादेश में किसकी सरकार है, उनकी पार्टी का नाम बताइए, और गाइस इस पार्टी के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, जिनके नाम पर अभी यूनेस्को अवार्ड देने जा रहा है। मेरे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको जबान पर होना चाहिए, जहन में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको कह सकते हो नींद में हो तब भी आंसर टिक हो जाए, गाइस जैसा होना चाहिए आपको, क्योंकि बेटू क्वेश्चन पक्का काउंटर होगा आने वाले एग्जाम्स मेरे दोस्तों, अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना हम लोग इसको। बांग्लादेश गाइस हमारे 1971 की वार में शहीद हुए आर्मी भाइयों के लिए गाइस एक वार मेमोरियल लगा रहा है, आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का नाम बदल के रखा गया गाइस, बांग्लादेश आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली गौतम भाई, बहुत अच्छे, सुपर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। दी गौतम भाई, हसीना नाम से ज्यादा भावनाओं को नियंत्रण में रखिएगा सर, हसीना नाम से बहुत, मोदी जी भी आजकल इंटरेस्ट नहीं लेते उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की वो मूव करते हैं, हु विल हेड द हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, गाइस वेल डन श्रीनिवासा, वेल डन संघु, बहुत अच्छे संग्राम, बहुत अच्छे श्रीनिवासा राव भाई, राव सर बहुत अच्छे, या मुजीबुर रहमान, बोंगो बंधु से एक मुजीबुर रहमान, गौतम यादव सर, दीपक भाई, सुभाषपिता, चारुल, चेतन, लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ बांग्लादेश, एग्जैक्टली दीपक भाई, मोटा भाई, एग्जैक्टली अंकिल, विवेक, निधि, पूजा, वेल डन मेरे दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज अमित शाह। बेटू आपको पता होगा, अभी न्यूज याद रखना, कोलकाता में गाइस, कोलकाता में याद रखिएगा, कोलकाता में गाइस दो चीज सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, एक तो म्यूजियम गाइस, एक म्यूजियम है, दूसरा एक ब्रिज का नाम रख दिया गया गाइस, एक ब्रिज का नाम सुभाष चंद्र बोस और एक म्यूजियम का नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया है गाइस, अमित शाह, हाई लेवल कमिटी बनाया है इन्होंने, ठीक है, याद रखना 125वें बर्थ एनिवर्सरी में सुभाष चंद्र बोस के, गाइस आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, गाइस वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, कहां तक थे यार, अभी बहुत क्वेश्चन है भाई, अभी 5 से 6 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, हम तो हसीना को कभी भी नहीं, अच्छा आप नहीं देखते, ओके गाइस फटाफट जवाब दीजिए, समय शुरू होता है, आप फटाफट जवाब दीजिए गाइस, राव भाई, रमत भाई, संगू, यस आनंद, गाइस जवाब दीजिए फटाफट, संजय दोस्त बहुत अच्छे, लुस्साने, स्विट्जरलैंड, चारुल, चेतन पटवाल, इसमें क्या कमेटी की जरूरत सर, चेतन भाई देख रेख, ताम झाम, मेंटेन करना सब, इसीलिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई बहुत सारी चीजों के लिए। वेरी गुड, सुपर, इट्स करेक्ट आंसर इज लुस्साने, स्विट्जरलैंड, गाइस स्विट्जरलैंड कैपिटल इज बर्न एंड करेंसी इज स्विस फ्रैंक, करेंसी इज स्विस फ्रैंक। और गाइस एक चीज और याद रखना आप लोग, अभी हॉकी का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहां लगाया जा रहा है गाइस, राउरकेला में, राउरकेला गाइस, राउरकेला उड़ीसा में हॉकी स्टेडियम लगाया जा रहा है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है। चेतन पटवाल नखरे हैं सर, ओके ओके, अरे कुछ भी हो याद करने में क्या जा रहा है, चेतन एकदम व्यक्तिगत हो जाता है, नहीं या सुपर, वेरी गुड, नेस्ले भी यहीं से, सुभाष मिता, एग्जैक्टली बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड स्किल इंडिया एस्टैब्लिश फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर, बेटू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, और किस कंट्री के सपोर्ट से है, सपोर्टेड बाय विच कंट्री गाइस, विच कंट्री, और एक कहां होने वाला है, ISA जहां पर है, एंड समय शुरू होता है, आप जवाब दीजिए,
कर्तव्य मित्तल सर प्लीज टीच इन इंग्लिश मीडियम। कर्तव्य सर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं सर जो रेलवे को प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी की, सो बेटू प्लीज मैनेज कर लो। इंग्लिश में लिखा क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन है, सो यू कैन आंसर कर सकते हो आप। ओके या एग्जैक्टली सुपर गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज गुरुग्राम। सुपर, इट्स करेक्ट आंसर इज गुरुग्राम। एंड गाइस गुरुग्राम आपको याद रखना है, इसका नाम गुड़गांव का नाम चेंज किया गया गाइस, किस कंट्री के सपोर्ट से? इट्स फ्रांस। फ्रांस के सपोर्ट से गाइस ये चेंज किया गया, एम टू से एस्टैब्लिश किया गया आईएसए। वेयर इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसए गाइस? तो इट्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेडक्वार्टर लोकेटेड इन गुरुग्राम गाइस। इंडिया इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज फ्रांस गाइस, याद रखना फ्रांस। और इसी के सपोर्ट से सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टैब्लिश किया गया गाइस, कहां पे? तो गुरुग्राम में, राव इंद्रजीत सिंह। या सुपर दीपक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैंपेन विरासत? हम लोग कहते हैं विरासत में हमारे बाबूजी ने ये छोड़ के गए, हमारे दादाजी ने बाबूजी को ये दिया और बाबूजी ने हमको देके गए गाइस, विरासत टू कर प्रॉपर्टी। एंड टाइम स्टार्ट नाउ गाइस, फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, जल्दी जल्दी। सुपर वेल गाइस, वेरी वेरी गुड दोस्तों, सुपर कैरी ऑन। केरला, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, तो भैया इट्स करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, ना उत्तम प्रदेश। एंड गाइस व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूपी? इट्स लखनऊ। एंड गाइस हु इज द सीएम ऑफ यूपी? योगी आदित्यनाथ गाइस, वैन डीजल चचेरे भाई, योगी आदित्यनाथ। एंड गाइस रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड यही लाए थे। अरे पावर मॉन्स्टर नहीं होंगे, मिनिस्टर होंगे, कोई नहीं, मॉन्स्टर मिनिस्टर जो भी है, समझ गया आपकी बातों को विवेक। या गाइस गवर्नर इज आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल गाइस आपको याद रखना है, आनंदीबेन पटेल गाइस। रामसर साइट्स कितने नंबर के है? 42nd नंबर का रामसर साइट कहां पे? यूपी में। लालजी टंडन, अरे गौतम भाई लालजी टंडन नहीं है भाई, गौतम, गौतम यादव सर, कूटे जाओगे, उल्टा पुल्टा बता रहा है। लालजी टंडन कब के चले गए? इकाना स्टेडियम योगी आदित्यनाथ ने बदल के रख दिया, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ 4 इंडिजिनियस गेम्स टू बी अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड गाइस? इन टाइम स्टार्ट नाउ। ओहो अच्छा संगू, लालजी टंडन थे, हट गए। अरे लालजी टंडन का तो निधन हो गया, लालजी टंडन का तो निधन हो गया, एमपी के थे। अभी आनंदीबेन पटेल चली गई वहां पे एडिशनल चार्ज लेके एमपी का। वेल डन गाइस, सुपर, इट्स करेक्ट आंसर योगासन, यहां थंगटा होना चाहिए, थंगटा गाइस। मलखम कहां का है? तो गाइस याद रखना महाराष्ट्र और एमपी का है, गटका पंजाब का है, ठीक है, गटका पंजाब का है, ये है महाराष्ट्र और एमपी। एंड गाइस कलारियापट्टू, कलारियापट्टू कहां का है? केरला का है। बच्चा क्या एक तो थंगटा, थंगटा कहां का है गाइस? थंगटा मणिपुर का है। वेल डन सुपर। नाना ना श्रीनिवासा राव, इट्स नॉट ऑल आर करेक्ट बेटू, इट्स एक रॉन्ग है, योगासन, योगासन नहीं है, यहां पे होगा थंगटा, 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 थंगटा फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर में मार्शल आर्ट है सर, इट्स मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर, मार्शल आर्ट इज फ्रॉम मणिपुर, थंगटा याद करना, गटका इज फ्रॉम पंजाब, कलियारीपट्टू केरला, एंड मलखम्ब इज फ्रॉम एमपी एंड महाराष्ट्र। या नेक्स्ट पॉइंट टू मूव करते हैं। अमर सिंह कॉलेज सिचुएटेड वेयर हैज बैग्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर मेरिट ऑफ मेरिट इन द 2020 यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। एंड टाइम स्टार्ट नाउ। अरे सॉरी, हाँ अभी तो ऑल हो जाएगा, एग्जैक्टली सॉरी सॉरी राव भाई, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑल आर करेक्ट, एग्जैक्टली योगासन को ऐड कर दिया गया, या लास्ट वाला ऑल होगा, सॉरी सॉरी, इट्स करेक्ट आंसर बेटू यहां पे ऑल होगा, सही करे राव भाई, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। योगासन को भी ऐड कर दिया गया गाइस, इन सब के बाद योगासन को ऐड किया गया गाइस, याद रखना ऑल हो जाएगा, सॉरी। एंड इट्स करेक्ट आंसर इज गाइस श्रीनगर, सॉरी इट्स माई फॉल्ट यार, सॉरी। या श्रीनिवास राव सर, एग्जैक्टली यू आर करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं।
विच कंट्री ट्रेडिशन ऑफ कम्युनल डाइनिंग एट हॉकर सेंटर्स एट बीन हैज बीन रिकॉग्नाइज बाई यूनेस्को फॉर इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। एंड ऑद्रे अजोले इज द हेड ऑफ यूनेस्को। ऑद्रे अजोले गाइस हेड है। योगासन, योगासन स्पोर्ट्स में शामिल हुआ है खेलो इंडिया के ना, पता नहीं यार मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, कोई नहीं इसको अपडेट कर लो, देख लेते हैं हम लोग। एक योगासन नहीं हुआ था जहां तक मेरे को लग रहा है। या एग्जैक्टली गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी एंड गाइस करेंसी इज डॉलर। या यहां पे एग्जैक्टली वही तो, यहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स था भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम था ये। ऑल नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं, मेरे को डाउट था, आप लोगों ने बोला, यहां संग्राम ने भी बोला और रामा राव राव साहब ने भी बोला, इसलिए हमने टिक कर दिया। गाइस योगासन एग्जैक्टली योगासन नहीं है खेलो इंडिया में, संगू चेक कर लो और राव सर आप भी चेक कर लीजिएगा एक बार, कंफर्म कर लेना इसको, योगासन नहीं होगा एक्चुअल में खेलो इंडिया में। एक्चुअल में चार ही है जहां तक मेरे को आइडिया था, हमने बोला एग्जैक्टली यहां पे आपके आप लोगों के कहने पे ऑल कर दिया। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। गाइस आप सभी सेशन को लाइक कर दो फटाफट, गिव इट टू, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कोई श्रीनिवास राव सर कोई इशू नहीं है, सोनीपत नहीं है विवेक, सोनीपत का नाम कौन ले रहा है? पंचकुला में होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम, पंचकुला हरियाणा, फोर्थ एडिशन। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू विवेक। एग्जैक्टली योगासन नहीं होगा, मेरे को भी पता है, खेलो इंडिया में चार ही गेम एक्चुअल में ऐड हुए बेटू, योगासन नहीं है, योगासन को गेम्स में ऐड किया गया ठीक है, बट नॉट इन खेलो इंडिया गेम्स, जहां तक मेरे को आइडिया था बट लोगों ने बोला। ओके एंड गाइस आई होप कि सेशन मजेदार लगा होगा बेटू, सेशन को फटाफट लाइक कर दो बच्चे, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लाइव नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल सुबह 8:30 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक रहे गाइस नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सबका खैर, आप सभी अपना ख्याल रखना और मस्त रहना। ओके सचिंदर लांबा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सबनम कौशल थैंक यू बच्चे, और राव भाई आपको भी, एंड एक मित्र एक सर भी आए थे, सबको धन्यवाद तहे दिल से, बहुत सारे नए लोग थे गाइस, डेली की डेली आओ, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, एंड सबको जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो तो रहेंगे, अच्छा लगता है सब लोग नए नए मिलते हैं। आप डेली आओ, डेली डिस्कशन करो, आपको MCQs है तो आपको जवाब देना, आपका अपडेट होगा। सो गाइस बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट। आपका भी स्वागत है संगू।